अब हम ये रिलेशनशिप्स देखते हैं। आप फिगर ए देख पा रहे हैं। फिगर ए में सीएम तो अभिलंब है, सीएम अभिलंब है, ठीक है, और ओएम एंगल थीटा बना रहा है सीएम से, और एमएफ भी एंगल थीटा बना रहा है। ओएम है इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और एमएफ है परावर्तित किरण। और यहाँ पर हमने एक अप्रॉक्सीमेशन लिया, पी ए जो बिंदु है और डी जो बिंदु है, हम मान कर चलते हैं कि इनमें दूरी नगण्य है, मतलब नहीं के बराबर है, यानी हमने डी पी को लगभग जीरो मान लिया। जीरो शून्य तो वैसे पूरी तरह है नहीं, लेकिन हम इसको शून्य, क्योंकि ये शून्य के नज़दीक है इसलिए हम शून्य मान लेते हैं। तब हम क्या देखते हैं, एंगल ओ एम सी और एंगल सी एम एफ बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर बाईं ओर आप देखें, एंगल एम सी पी, एंगल एम सी पी थीटा है और एंगल एम एफ पी टू थीटा हो गया। एंगल एम एफ पी टू थीटा क्यों हो गया, क्योंकि एम एफ पी बराबर ओ एम एफ है, तो और ओ एम एफ कितना है, ओ एम और एफ, तो थीटा प्लस थीटा ओ एम एफ टू थीटा है। अगर ओ एम एफ टू थीटा है तो एम एफ पी भी टू थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओ एम और सी पी यानी एफ पी ये दोनों समानांतर हैं, और एम एफ डी या यानी एम एफ पी बोलिए, चलिए एम एफ पी और ओ एम एफ ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये हमने 9वीं 10वीं कक्षा में ये थ्योरम देखी होगी, ऑल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दे आर सेम। तो ये ऑल्टरनेट एंगल होने के कारण ओ एम एफ और एम एफ पी ये बराबर हो जाते हैं। अब हम दूसरा अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, क्योंकि थीटा का मान बहुत छोटा होगा इसलिए टेन थीटा बराबर थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो एम डी बाई सी डी, ये है एम डी, एम डी बाई सी डी, ये ट्राइंगल सी एम डी लीजिए आप, सी एम सॉरी एम और डी, सी एम डी ट्राइंगल में एम डी बाई सी डी जो है टेन थीटा हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और दूसरा ट्राइंगल लीजिए एफ एम डी में, एफ एम डी में एम डी बाई एफ डी टेन टू थीटा हो जाता है, क्योंकि एम डी परपेंडिकुलर हुआ, बेस है एफ डी, ठीक है। और हमने पहले ही कह दिया एफ पी और एफ डी हम बराबर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि डी पी को हमने लगभग जीरो के करीब मान लिया है। तो अब हम देखते हैं कि टेन थीटा बराबर एम डी बाई सी डी और टेन टू थीटा बराबर एम डी बाई एफ डी, ये तो सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री के नियम से हमें मिल गया। अब क्योंकि थीटा का मान बहुत छोटा है इसलिए हम टेन थीटा को थीटा ले लेते हैं और टेन टू थीटा को टू थीटा ले लेते हैं। तो हम क्या पाते हैं, एम डी बाई एफ डी बराबर टू एम डी बाई सी डी, ठीक है। इसको इसका अर्थ क्या हो गया, हमने क्या ले लिया, टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू टेन थीटा फॉर स्मॉल थीटा।
अगर थीटा बहुत ही छोटा हो तो टेन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा, क्यों? टेन टू थीटा को हम टू थीटा ले लेते हैं और टेन थीटा को थीटा ले लेते हैं, टू थीटा इज इक्वल्स टू टू इंटू थीटा, ठीक है ना? तो इस तरह हम देखते हैं कि एफ डी बराबर सी डी बाई टू, यह है एफ डी, एम डी, एम डी कट जाएगा इस इक्वेशन में, ये रहा इक्वेशन, ये एम डी और ये एम डी कट गया, तो वन बाई एफ डी इज इक्वल्स टू टू बाई सी डी, रिवर्स कर लो, इन्वर्स हो जाएगा एफ डी बराबर सी डी बाई टू, इन्वर्स समझते हैं, पलट देते हैं, यानी ये वन बाई एफ डी बराबर टू बाई सी डी है, दोनों साइड को का इन्वर्स लेंगे तो एफ डी बराबर सी डी बाई टू, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी डी को इधर ले आते हैं और एफ डी को उधर ले जाते हैं और एफ डी बराबर सी डी बाई टू, और एफ डी क्या है, एफ डी है एफ फोकल लेंथ, ये एफ डी स्मॉल एफ है और सी डी जो है आर है, रेडियस, सी पी रेडियस होती है, लेकिन हमने पहले ही कह दिया डी जो है दो डी बिंदु पी के एकदम नज़दीक है, इसलिए डी पी का मान जीरो है, इसलिए सी डी बराबर सी पी बराबर आर। ठीक है, तो उससे हम ये रिलेशनशिप निकला एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है और ये भी उसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से निकला है, प्लेन मिरर का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि अभिलंब से आपतित किरण जो जो एंगल बनाती है, परावर्तित किरण भी वही एंगल बना रही है, और यहाँ अभिलंब क्या होगा, सेंटर से कोई भी रेखा जो इस दर्पण से टकराएगी यानी त्रिज्या जो बनेगा वो अभिलंब होगा, ये किसी भी बिंदु पर ही है, ये बात लागू होगी। अब ये साइन कन्वेंशंस है, साइन कन्वेंशंस क्या है, जो भी आपतित किरण की दिशा में जो भी किरण होगी उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, परावर्तित आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी दूरियां होंगी उनको हम नेगेटिव लेते हैं, आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरियां होंगी उनको पॉजिटिव लेंगे, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जो भी दूरियां होती हैं उनको नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की ओर की ऊंचाई को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की ओर की ऊंचाई को नेगेटिव लेते हैं, और ये कन्वेंशन कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर्स पे ये लागू होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लें आप।